जय जगन्नाथ दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कनुजिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल भारत की पहचान पर। आज हम बात करेंगे भारत की पहचान के बारे में, जो कि है जगन्नाथ मंदिर। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्तीय शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में। रहस्य नंबर 1, हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर का लाल रंग का ध्वज सदैव विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि अगर ध्वज को रोज ना बदला जाए तो यह मंदिर अपने आप 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। रहस्य नंबर 2, गुंबद की छाया नहीं बनती। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। रहस्य नंबर 3, मंदिर में लगा सुदर्शन चक्र को किसी भी स्थान से देखा जाए परंतु वह सदैव आपको अपने सामने ही लगा दिखेगा। वह अष्ट धातु से निर्मित अति पावन और पवित्र है। रहस्य नंबर 4, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम को इसके विपरीत होता है, परंतु पुरी में इसके उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। रहस्य नंबर 5, गुंबद के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर के गुंबद के ऊपर आज तक कोई भी पक्षी उड़ते हुए नहीं पाया गया, लेकिन भारत के अन्य मंदिरों में अधिकतर पक्षी मंदिरों के ऊपर बैठते हैं। रहस्य नंबर 6, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख लोग यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ना बनाया गया हो, परंतु इसमें लाखों लोग का पेट भरा जा सकता है। रहस्य नंबर 7, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में एक कदम रखते ही समुद्र द्वारा निर्मित ध्वनि सुनाई नहीं देती। मंदिर के बाहर एक कदम रखते ही आप इसे सुन सकते हैं। रहस्य नंबर 8, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। आषाढ़ माह में इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। रहस्य नंबर 9, मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। रहस्य नंबर 10, यहाँ पर प्रसाद को पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक के ऊपर एक बर्तनों को रखा जाता है, परंतु दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि इसमें सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे बाद पकता है।